राज्य की भाजपा सरकार की मंत्रिमंडल का आज विस्तार हो रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में नए मंत्रियों को शपथ दिलाएंगे। नामों की सहमति बनाने को लेकर देर रात मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ और प्रदेश सह प्रभारी विजया राहटकर के बीच लंबी बैठक हुई। मंत्रिमंडल विस्तार में 15 से 20 मंत्रियों की शपथ लेने की संभावना है। गौरतलब है कि भजनलाल शर्मा ने 15 दिसंबर को प्रदेश के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अधिक जानकारी के लिए राजभवन से हमारी संवाददाता जया गुप्ता हमसे जुड़ चुकी है। जी जया, 27 दिन के लंबे इंतजार के बाद आखिर आज वो दिन आ गया है जब राज्य सरकार मंत्रिमंडल का विस्तार करने जा रही है, क्या कुछ अपडेट है? मंत्रिपरिषद के गठन की जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं और यहां पर शपथ ग्रहण समारोह के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं और विधायकों के आने का सिलसिला भी है शुरू हो चुका है। और कुछ ही देर में तकरीबन 45 मिनट बाद जो है शपथ ग्रहण समारोह यहाँ शुरू होने की संभावना जताई जा रही है। और यहाँ जो भी देखें तो जो मंत्री बनने वाले हैं उनके लिए तकरीबन यहाँ 25 कुर्सियां लगाई गई हैं। ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि तकरीबन 25 मंत्री जो है मंत्रिपरिषद में आ सकते हैं। इनमें कुछ कैबिनेट होंगे, कुछ राज्य मंत्री होंगे और कुछ को स्वतंत्र प्रभार दिया जाएगा। जी जय, कौन कौन संभावित मंत्री बनेंगे अगर कुछ जानकारी मिली हो आपको? जी, अगर देखें तो कुछ युवाओं को भी यहाँ मौका मिल सकता है और जो सांसद थे और जिन्होंने अभी यहाँ विधायकी का चुनाव लड़ा और जो विधायक बने हैं उनमें से भी कुछ को मौका दिया जा सकता है। महिला मंत्रियों की बात करें तो तकरीबन 2 से 3 महिला विधायकों को मंत्री बनने का यहाँ मौका मिल सकता है। 25 जो अभी बनाए जा रहे हैं, लगभग जो संभावना जताई जा रही है 25 कुर्सियां जो लगाई गई हैं, तो 20 से 25 मंत्री जो है अभी यहाँ मिल सकते हैं। और इसमें देखें तो हर तरह का फैक्टर यहाँ देखा गया है, उसमें कुछ जो वरिष्ठ भी हैं वो शामिल होंगे, कुछ युवा भी जो ऐसे चेहरे हैं जो पहली बार विधायक बने हैं उन्हें भी मौका मिल सकता है। और अभी देखें तो यहाँ उनमें से अभी कोई भी व्यक्ति नहीं आया है। संभावना ये भी जताई जा रही है कि वे सभी एक साथ ही यहाँ कुछ मिनट पहले ही यहाँ आएंगे। विधायक जो है धीरे धीरे यहाँ पहुंच रहे हैं, बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता भी यहाँ पहुंच चुके हैं, अधिकारी यहाँ लगभग सभी यहाँ पहुंच चुके हैं और बस अब इंतजार है तो मुख्यमंत्री के आने का, डिप्टी सीएम के आने का, दोनों डिप्टी सीएम के आने का और जो विधायक या मंत्री के रूप में शपथ लेंगे उनके आने का। वे सभी इससे पहले जो है बीजेपी दफ्तर में वहां भी इनकी एक कहीं की मीटिंग तरह की हुई है और वहां से यहां लाया जाएगा। और विकास, मैं आपको एक जानकारी और दे दूं, मंत्रिपरिषद के गठन के लिए जो कल देर रात मुख्यमंत्री दिल्ली गए थे, आज सुबह उन्होंने जयपुर आकर यहाँ पर राज्यपाल के साथ में मुलाकात की है और उन्हें यहाँ सूची भी सौंपी है। और अब कुछ ही देर में जो है राजस्थान को आखिरकार अपने मंत्रिपरिषद नए मंत्री मिल जाएंगे और ये भी संभावना है कि उन्हें जल्द ही उनके पोर्टफोलियो भी अलॉट कर दिए जाए। जी विकास, जी जया, बहुत बहुत धन्यवाद जानकारी देने के लिए।